एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिनसोंग और रिपोर्टर जंगसू को देखते हैं। मिनसोंग जंगसू से कहता है, तुम्हारा वो न्यूज आर्टिकल किसी कीड़े की तरह काट रहा है। ये सुनकर जंगसू कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो मिनसोंग कहता है, ऐसा लगता है जैसे उस आर्टिकल के लिए मैं तुम्हारी अच्छे से हेल्प नहीं कर पाया। जंगसू कहता है, नहीं, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, ये बताकर कि हान बादा तुम्हारे रेस्टोरेंट में सैफ था और उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। थैंक्स फॉर दिस स्टोरी। इस तरह का एक सैफ अब क्लेयरलेसली गोंगवांग डू में एक रेस्टोरेंट चला रहा है। मैंने जो कुछ भी सुना था मैंने आर्टिकल में वही लिखा है। मिनसोंग कहता है, मिस्टर रिपोर्टर, मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इसे समझने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये सुनकर जंगसू हंसने लगता है। तो मिनसोंग कहता है, प्लीज इस आर्टिकल को चेंज कीजिए। जंगसू कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। तो मिनसोंग गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, इसे चेंज करो, मेरे पास तुम्हारे आर्टिकल के लिए बहुत से इश्यूज हैं, तुम उनमें से किसी इश्यूज को चॉइस करो और उस पर आर्टिकल लिखो। तो जंगसू कहता है, अगर तुम इसी तरह एक्ट करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम रेस्टोरेंट बिजनेस के प्रिंस रह पाओगे? ये सुनकर मिनसोंग कुछ कहने वाला होता है कि तभी वहाँ पे टॉमी आ जाता है। टॉमी जंगसू से कहता है, मिस्टर रिपोर्टर, क्या आप उस आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं? ये सुनकर जंगसू कहता है, लगता है जैसे आज मैं पागल ही हो जाऊंगा। तभी टॉमी उसकी तरफ बढ़ने लगता है, उसका राइट हैंड उसके जैकेट के अंदर होता है। जंगसू को लगता है जैसे टॉमी ने अपने जैकेट के अंदर कुछ डेंजरस थिंग छुपा रखी है। वो टॉमी से आगे ना बढ़ने को कहता है और वो डर जाता है। लेकिन टॉमी अपने जैकेट के अंदर से एक थर्मस निकालता है जिसमें वो उड़न लेकर आया था। टॉमी कहता है, मिस्टर रिपोर्टर, आप हमारे रेस्टोरेंट गए थे ना, लेकिन आपने उड़न नहीं खाया था, आपको ये टेस्ट करना चाहिए। वो जंगसू को उड़न देता है। जंगसू उड़न टेस्ट करता है तो टॉमी उससे पूछता है कि आपको ये कैसे लगा? तो जंगसू कहता है, ये डिलीशियस है। तो टॉमी कहता है, आपको क्या लगता है कि ये किसी ऐसे बैड पर्सन ने बनाया होगा जो कि अपने वर्कर्स को ठीक से ट्रीट नहीं करता है? तो जंगसू कहता है, मैं जिस काम को कर सकता हूँ मैं उसके लिए ना नहीं कहता। टॉमी कहता है, मिस्टर रिपोर्टर, प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस आर्टिकल को चेंज कर दीजिए। जंगसू कहता है, मेरे ना कहने का मतलब ना ही है। टॉमी कहता है, वो आईजी पोस्ट मैंने ही किया था, लेकिन वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिर मिनसोंग कहता है, मैं सच कहता हूँ, हान बादा एक फ्लॉलेस पर्सन है। उन दोनों की बातें सुनकर जंगसू को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो कहता है, किसी भी आर्टिकल को ऐसे ही चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो टॉमी कहता है, हमारी सैफ एक मोस्ट सिंसियर पर्सन है अपने काम को लेकर, लेकिन वो थोड़े इनोसेंट और फूल भी हैं, उन्हें सिर्फ उड़न ही बनाना आता है, वो शर्मीला भी है। तभी मिनसोंग कहता है, हाँ, हान बादा ज़्यादा टॉक्टिव नहीं है और ना ही वो कन्वर्सेशन कर सकता है, इसलिए वो तुमसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये सब सुनने के बाद जंगसू कहता है, मैं समझ गया कि तुम दोनों क्या कहना चाहते हो। इसके बाद वो कहता है, ठीक है, मैं इस आर्टिकल को चेंज करूंगा, लेकिन तुम दोनों तो सैफ हान बादा के कलीग्स हो ना, एक पास्ट का है और दूसरा करेंट का, तुम दोनों पर उसके समझौते करने का कोई कर्ज है क्या? आखिर तुम दोनों उसे इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो? जंगसू की ये बात सुनकर दोनों ही साइलेंस हो जाते हैं। तभी सडनली टॉमी कहता है, जैसा कि आपने कहा, वो मेरा पार्टनर है। इसके बाद एक न्यू आर्टिकल ट्रेंड करने लगती है जिसमें कोई उड़न के रेस्टोरेंट के बारे में अच्छी बातें लिखी गई होती है। अब रेस्टोरेंट में फिर से कस्टमर आने लगे थे और बादा भी इससे बहुत खुश था। तभी रेस्टोरेंट में वही दो क्यूट बच्चे आते हैं। बादा उनसे स्माइल करते हुए कहता है, माफ़ करना लेकिन शॉप क्लोज हो गई है। तो उनमें से एक बच्चा बादा से कहता है, अंकल, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बादा उन दोनों के पास आता है और कहता है, क्या हुआ? तो वो दोनों बच्चे उससे सॉरी कहते हैं। बादा सॉफ्ट वे में कहता है, तुम दोनों सॉरी क्यों कह रहे हो? उनमें से एक बच्चा कहता है, लास्ट टाइम जब हम उड़न खाने आए थे तब आप यहाँ नहीं थे, हम आपका वेट कर रहे थे और खेल रहे थे, तभी हमसे गलती से वो सोया सॉस का पॉट गिर गया था। इसके बाद वो दोनों बच्चे उसे सॉरी कहते हैं और रोने लगते हैं। बादा उस मोमेंट को याद करता है और बच्चों को शांत कराने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। नेक्स्ट सीन में हम कस्टमर की लाइन देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं और रेस्टोरेंट के खुलने का वेट कर रहे होते हैं। तभी बादा ट्रेन ओपन करता है। सारे लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगते हैं। तो उनमें से एक कस्टमर कहता है, इस तरह से एक दूसरे को धक्का क्यों दे रहे हो? क्या तुम किसी को भी एक बार जीतने नहीं दे सकते?
बादा को उस कस्टमर की बात सुनकर सोयोंग की बात याद आ जाती है जिसमें उसने कहा था कि तुम्हारा पार्टनर वापस आ सकता है अगर तुम उसके पास जाओगे। और इसके बाद बादा तुरंत रेस्टोरेंट को क्लोज कर देता है और अपनी जैकेट हाथ में लेकर बाहर निकलता है। एक कस्टमर उसे देखकर पूछता है कि क्या आप शॉप ओपन नहीं कर रहे हैं, तो बादा कहता है हाँ और उन सबसे सॉरी कहता है और वहाँ से अपनी कार लेकर चला जाता है। अगले सीन में बादा एक अन्य प्लेस पर होता है। वो मोबाइल पर उस प्लेस की पिक को देख रहा होता है और चेक कर रहा होता है कि वो राइट प्लेस पर है या नहीं। तभी वो देखता है कि कुछ दूर पर एक लेडी बैठी होती है। वो उस ओल्ड लेडी से जाकर पूछता है कि क्या आपने कल यहाँ ऐसे किसी पर्सन को देखा है जिसके बालों का कलर येलो हो। इसके बाद वो उस लेडी को टॉमी की पिक दिखाता है और कहता है वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता होगा। तो ओल्ड लेडी उससे कहती है हाँ मैंने देखा है और वो कल इसी रास्ते से गया था। बादा भी उसी रास्ते पर जाता है तो वो देखता है कि आगे ओशन था। वो ओशन के सामने जाकर टॉमी का नाम लेकर चिल्लाने लगता है और कहता है सॉरी। तभी सडनली उसकी नज़र उस नोटबुक पर पड़ती है जो कि टॉमी की थी। वो एक स्मॉल बेंच पर रखी हुई थी। बादा निराश होकर उस बेंच पर बैठ जाता है और अपनी सैड वॉइस में कहता है मैं गलत था, मैं मानता हूँ, अब मुझे माफ़ कर दो, अब ये हाइड एंड सीक खेलना बंद करो और प्लीज़ सामने आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ टॉमी आता है। वो बादा का नाम लेता है। बादा टॉमी को देखकर कहता है तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे। लेकिन टॉमी कोई जवाब नहीं देता और बादा के हाथ से वो नोटबुक लेने लगता है। लेकिन बादा उसे सडनली टाइटली हग कर लेता है और अपनी लो वॉइस में कहता है आई एम सॉरी कि मैं समझ नहीं पाया, आई एम सॉरी कि मैं लेट हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो टॉमी बादा से कहता है आई थिंक मुझे कोल्ड है। तो बादा कहता है कोई बात नहीं और उसे किस करने लगता है। टॉमी भी इसका रिस्पॉन्स करता है और दोनों ही उस ब्यूटीफुल सनसेट और ओशन के किनारे अपनी फर्स्ट किस करते हैं। और यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। वाओ गाइस, आज का एपिसोड तो सच में बहुत ब्यूटीफुल था, स्पेशली लास्ट पार्ट। आप लोग को कौन सा पार्ट अच्छा लगा इस एपिसोड का मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।